as well <clears throat> the next very important thing that we are going to discuss is mutation mutation means changing lists mutable and strings mutable nahi mutation means changing the value of an object lists support mutation this is the second main difference between strings and lists right the first one was के लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं यानी नंबर स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं पूरी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं ये एक बड़ा डिफरेंस है स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग्स में सिर्फ करेक्टर्स आ सकते हैं सो ये बड़ा डिफरेंस स्ट्रिंग्स और लिस्ट में था दूसरा बड़ा डिफरेंस जो स्ट्रिंग्स और लिस्ट में है वो ये है जो स्ट्रिंग्स हैं वो म्यूटेशन सपोर्ट नहीं करती जबकि लिस्ट्स म्यूटेशन सपोर्ट करती हैं और म्यूटेशन से मुराद हमारी ये है कि स्ट्रिंग्स के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तब्दील नहीं किया जा सकता जबकि पूरी स्ट्रिंग को तब्दील कर सकते हैं वो नई असल में नई स्ट्रिंग बनती है वो वो पुरानी स्ट्रिंग तब्दील नहीं होती बल्कि नई स्ट्रिंग बनती है जबकि यही काम अगर आप लिस्ट में करना चाहें तो मुमकिन है लिस्ट के अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उस केस में लिस्ट तब्दील होती है नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती बल्कि एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ही तब्दीली हो जाती है राइट इट माई सीम लाइक वी मिसाल के तौर पे अगर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं एस इज गिवन हेलो राइट सो एस हेज नाउ हैलो और अगर हम इसी स्ट्रिंग को ये कर दें और अब हम एस को अगर प्रिंट करें तो ये प्रिंट भी हो जाता है तो हमें अपेरेंटली ये लग सकता है कि स्ट्रिंग तब्दील तो हो गई तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि स्ट्रिंग तब्दील नहीं हो सकती असल में जब आप यूँ लिखते हैं कि पहले एस में ये वैल्यू थी और बाद में एस को आपने एक नई वैल्यू दे दी तो असल में ये म्यूटेशन नहीं है तब्दीली नहीं है बल्कि ये नई स्ट्रिंग बन गई लाइक like, मेमोरी में कोई लोकेशन थी जहाँ पे यह हेलो एग्जिस्ट कर रही थी जब आपने एस को एक नई वैल्यू दी तो वो पुरानी मेमोरी लोकेशन फ्लश हो गई ये किसी नई मेमोरी लोकेशन पे कोई नई स्ट्रिंग बन गई नाम उसका एस ही रहा लेकिन वो कम्प्लीटली एक नई स्ट्रिंग बनी पुरानी स्ट्रिंग तब्दील नहीं हुई बल्कि पुरानी स्ट्रिंग अपनी जगह मेमोरी से Uh, जो है वो फ्लश हो गई उसका रेफरेंस हमने लूज कर दिया अब एस किसी नई मेमोरी लोकेशन में को लोके को एड्रेस कर रहा है और वहां पे एक नई स्ट्रिंग पड़ी हुई है वाई ई एल एल ओ के नाम से राइट right? सो so, ये म्यूटेशन नहीं बल्कि एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई है म्यूटेशन बेसिकली क्या होती है कि जब हम इसी स्ट्रिंग, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो हमें हमने यार और पहले भी देखा कि ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स असाइनमेंट यानी आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को तब्दील नहीं कर सकते उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते जबकि जब आप एक एस uh, को दोबारा कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं तो इस केस में स्ट्रिंग तब्दील नहीं होती बल्कि बिल्कुल एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है जब आप स्ट्रिंग को नई कोई वैल्यू असाइन करते हैं पूरी की पूरी वैल्यू असाइन करते हैं तो एक नई स्ट्रिंग बनती है पुरानी स्ट्रिंग में तब्दीली नहीं होती पुरानी स्ट्रिंग अपनी जगह से इरेज हो जाती है और किसी नई जगह पे एक नई स्ट्रिंग बन जाती है जिसके अंदर ये वैल्यू होती है राइट सो दिस इज नॉट म्यूटेशन दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग ओके सो so, अगर आपको ऐसा देखने से लगता है कि जी आपने वैल्यू तब्दील की है तो ये म्यूटेशन हुई है म्यूटेशन नहीं बल्कि एक नई स्ट्रिंग बनी है होल न्यू स्ट्रिंग पुरानी स्ट्रिंग रेस होकर नई स्ट्रिंग बन गई है हाउ वर दिस एक्सप्रेशन चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एस रेफर्स टू बट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग हेलो राइट सो बुनियादी तौर पर एस मेमरी में किसी जगह पे जहाँ पे ये पड़ी थी उसको लोकेट कर रहा था अब s इस जगह को लोकेट करने की बजाय किसी नई जगह को लोकेट कर रहा होगा जहाँ पे ये स्ट्रिंग पड़ी हुई होगी सो दिस इज नॉट म्यूटेशन दिस इज क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्ट्रिंग एट अ न्यू लोकेशन राइट as another example consider string concatenation right मिसाल के तौर पे आप यहाँ करते हैं s is equal to s plus w आप पुरानी स्ट्रिंग जो s है मिसाल के तौर पे s में इस वक्त y e l l o u पड़ा हुआ है अगर आप इसको यूं करें s is equal to s plus w, इसमें एक करेक्टर आप ऐड कर दें कंकैटिनेट कर दें राइट right? अब अगर आप इसको देखें तो इसमें y e l l o w है तो क्या आप ये समझते हैं कि आपने कंकैटिनेशन की तो ये स्ट्रिंग म्यूटेट हो गई अगर आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा नहीं है यह स्ट्रिंग म्यूटेट नहीं हुई बल्कि एक y e l l o की जगह एक नई स्ट्रिंग बन गई किसी नई मेमोरी लोकेशन के पे किसी अलग मेमोरी लोकेशन पे s पहले किसी मेमोरी लोकेशन पे जहां y e l l o पड़ा था उसको लोकेट कर रहा था अब s उसको लोकेट करने की बजाय किसी नई लोकेशन पे जहां पे y e l l o w पड़ा हुआ है उसको लोकेट कर रहा है सो दिस इज क्रिएशन ऑफ अगेन अ न्यू स्ट्रिंग राइट सो दिस ऑपरेशन मे लुक लाइट इट इज चेंजिंग द वैली ऑफ द स्ट्रेंग बट दैट्स नॉट वट्स हैपनिंग सो so अपेरेंटली हमें लग रहा है कि स्ट्रिंग की वैल्यू तब्दील हो रही है जबकि ऐसा नहीं है पाइथन पुरानी स्ट्रिंग को खत्म करके एक नई जगह पे एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है जिसमें आखिर में डब्ल्यू लगा हुआ होता है वाई ई एल एल ओ के बाद डब्ल्यू लगा हुआ होता है सो दिस इज नॉट चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग अगेन राइट इट इज नॉट मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ एनी स्ट्रिंग बट इन स्टेड इट इज क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग येलो एंड असाइनिंग द वेरिएबल एस टू रेफर टू दैट न्यू स्ट्रेंग राइट ले सो अपेरटली हमें यह लग सकता है कि हम उसी स्ट्रेंग को तब्दील करें जबकि बैक एंड पे वही स्ट्रेंग तब्दील नहीं हो रही होती बल्कि वो स्ट्रेंग एक नई स्ट्रेंग डब्ल्यू से मिला के किसी नई जगह पर एक नई स्ट्रेंग येलो के नाम से हम बना देते हैं और उसकी जो लोकेशन होती है वो एस को बता देते हैं और एस उस लोकेशन को एड्रेस करने लग जाता है और वहां पर येलो पड़ा हुआ होता है राइट right? सो so ये फर्क है म्यूटेशन में और नई स्ट्रिंग के क्रिएट होने में स्ट्रिंग्स म्यूटेट नहीं होती स्ट्रिंग्स में जब भी हम कोई छोटी मोटी तब्दीली करते हैं उनको कार्टिनेट करते हैं दो स्ट्रिंग्स को मिलाते हैं तो वो किसी नई जगह पे नई स्ट्रिंग बन जाती है जबकि हम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के किसी करेक्टर को जब तब्दील करने की कोशिश करते हैं इंडेक्स के जरिए तो वो तब्दीली हमें अलाउ नहीं की जाती हम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को तब्दील नहीं कर सकते ओके, सो ज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग सो जब भी आप तब्दीली करेंगे तो वो नई स्ट्रिंग बनेगी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग म्यूटेट नहीं होगी लिस्ट्स कैन बी म्यूटेटेड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट अब ये ऑपरेशन जो हमने स्ट्रिंग्स पे अलाउ नहीं किया था म्यूटेशन का वो म्यूटेशन लिस्ट में अलाउड होती है सो लिस्ट और स्ट्रिंग्स में इस फर्क के बाद कि उनमें लिस्ट में किसी भी किस्म की पाइथन वैल्यू स्टोर की जा सकती है जबकि स्ट्रिंग सिर्फ करेक्टर स्टोर करती है दूसरी बड़ी जो फ़र्क है वो ये है कि लिस्ट में म्यूटेशन मुमकिन होती है मिसाल के तौर पर आप अगर इसको देखें आप एक लिस्ट बनाते हैं मिसाल के नौ तौर पे पी के नाम से और उसमें हमने पांच कैरेक्टर स्टोर किए हैं एच ई एल एल ओ इसमें पहला कैरेक्टर है एच पहला एलिमेंट है रैच अगर मैं अब की बजाय वाई करना चाहूँ तो आपके ख्याल में क्या ये अलाउड होगा स्ट्रिंग के केस में ये अलाउड नहीं था हमें एक एरर मिला था तो स्ट्रिंग के लिस्ट के, के केस में ये अलाउड है राइट right? अब अगर आप प्रिंट करेंगे पी को तो आप देखें वाई ई एल एल ओ प्रिंट हो गया राइट सो लिस्ट्स में म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है लिस्ट में अगर आप कोई तब्दीली सॉरी स्ट्रिंग में म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग में अगर आप कोई तब्दीली करना चाहेंगे तो वो तब्दीली एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में नहीं होगी बल्कि एक नई स्ट्रिंग बनेगी जिसके अंदर वो नई वैल्यू आ जाएगी जबकि लिस्ट के अंदर म्यूटेशन पॉसिबल है लिस्ट के किसी एलिमेंट को आप तब्दील करना चाहें तो वह एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मिटा के उसी की जगह पर नया एलिमेंट लिखने की सलाहियत रखती है सो so ये एक सेकेंड मेजर डिफरेंस है स्ट्रिंग्स में और लिस्ट में के स्ट्रिंग्स म्यूटेशन सपोर्ट नहीं करती जबकि लिस्ट म्यूटेशन सपोर्ट करती हैं उनके किसी एलिमेंट को तब्दील किया जा सकता है सो दिस एक्सप्रेशन प्लेसेस रिप्लेसेस द वैल्यू इन पोजिशन जीरो ऑफ पी विद द स्ट्रिंग वाई आफ्टर असाइनमेंट द वैल्यू ऑफ पी हैज चेंज्ड अगर आप इसको प्रिंट करके देखा जैसे अभी हमने देखा तो एच ई e डबल एल ओ की जगह वाई ई डबल एल ओ डबल एल ओ प्रिंट हो गया वाई ई एल एल ओ हर एलिमेंट को अलग अलग हम रीड करें विच इज वॉट वी शुड डू राइट अब इसी तरीके से अगर हम इसके बाद एक स्ट्रिंग में लाइक तो जीरो वन टू थ्री फोर अब अगर हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन ऐड करना चाहें राइट फोर्थ कैरेक्टर को तब्दील तो करना चाहें और अब अगर हम पी को प्रिंट करें तो यू सी जो आखिरी करेक्टर ओ था उसकी जगह पे एक्सक्लेमेशन प्लेस हो गया सो अगेन दिस म्यूटेशन इज परमिटेड ये एग्जिस्टिंग जो आपकी या लिस्ट है वही मॉडिफाई हो रही है बल्कि नई और और नई लिस्ट क्रिएट नहीं हो रही इस केस में ओके okay. सो so, थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को हम रिविजिट करते हैं हमने एक अभी लिस्ट डिफाइन की थी कार्टून्स के नाम से राइट right? हम इसको दोबारा डिफाइन कर लेते हैं जस्ट टू सी वी हैड थ्री एलिमेंट्स इन दैट लिस्ट कार्टून टॉम जेरी एंड रूपी विच इज थ्री करेक्टर्स इन टॉम एंड जेरी Tom and Jerry are regularly present there and Droopy is some in some episodes you will find Droopy in some other episodes you might find some other characters right in some Tom and Jerry series though Droopy was replaced by dog for example write one line of code that changes the value of cartoons to be this so abhi hamare paas cartoons ki value ye hai hum isko tabdeel karke mutate करके हम नई list नहीं बनाना चाहते बल्कि existing list को तब्दील करना चाहते हैं म्यूटेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अब उसकी वैल्यू ये हो यानी अब पहले पहला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हम सेकंड स्ट्रिंग जो है वो तब्दील नहीं करना चाहते थर्ड एलिमेंट को तब्दील करना चाहते हैं उसमें ड्रूपी की जगह पे हम डॉग लिखना चाहते हैं आई होप यू विल बी एबल टू डू इट यूर सेल्फ ट्राई यूर सेल्फ फर्स्ट एंड देन सी हाउ वी डू इट एंड रेकन वेदर यू आर डूंग इट करेक्टली दिस इज जीरो इंडेक्स दिस इज फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज सेकेंड इंडेक्स तो इंडेक्स पे हमें क्या करना है डॉग प्लेस करना है राइट अब अगर हम कार्टून को प्रिंट करें सो यू सी दैट टॉम जेरी एंड द लास्ट एलिमेंट रूपी इज रिप्लेस बाय डॉग सो दिस इज वेरी सिंपल ऑन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स वी कैन मेक अ न्यू असाइनमेंट एंड दैट असाइनमेंट वर्क्स.